पलवल के गांव औरंगाबाद में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल जनों द्वारा एक 23 वर्षीय नवविवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। मुंडकटी थाना पुलिस ने मामले में पति सहित 4 नामजद के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मुंडकटी थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि गांव खामी निवासी हरिचंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसने अपनी बेटी भावना की शादी 26 अप्रैल वर्ष 2021 में गांव औरंगाबाद निवासी गौरव शर्मा के साथ की थी और शादी में हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के 4-5 दिन बाद से ही उसकी ससुराल पक्ष के लोग और अधिक दहेज की मांग करने लगे, जिन्हें पीड़ित द्वारा भी कई बार समझाया गया, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए और दहेज की मांग को लेकर आए दिन उसकी बेटी के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते रहते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष उसकी बेटी को तलाक देने की भी धमकी देता था। 10 दिन पहले भी उसकी बेटी के साथ मारपीट की गई। पीड़ित को जब इस बात का पता चला तो वह अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले आया, लेकिन पीड़ित ने लड़के के जीजा के आग्रह पर अपनी बेटी को वापस औरंगाबाद भेज दिया। बावजूद इसके वह अपनी आदतों से बाज नहीं आए और मंगलवार की शाम करीब 7 बजे उन्हें सूचना मिली कि उसकी बेटी भावना की पति गौरव शर्मा, ससुर राधेश्याम, सास ओमवती व लड़के के भाई नवीन ने मिलकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों ने मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुलिस से मांग की है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चेतन है। भावना के क्या लगते हैं? भावना मेरी सिस्टर थी। हॉस्पिटल से हमने 26 अप्रैल 2021 को लड़की की शादी की थी। लड़के का नाम गौरव है, जो आर्मी से बिलोंग करता है। उनका क्या था, बार बार दहेज के लिए फोन करना, बार बार फोन करते थे, कभी 1 लाख चाहिए, कभी 2 लाख चाहिए, कभी 10 लाख चाहिए। उनकी बार बार ये डिमांड बढ़ती गई। उनका कुछ दिन पहले भी फोन आया था कि ऐसे ऐसे बात है, हमें 10 लाख रुपए चाहिए। तो वो बोल रहे थे अगर तुमने 10 लाख रुपए दिए तो ठीक है, नहीं तो हम लड़की को मार देंगे। उनका कुछ इस हिसाब का वातावरण था और आज उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। उसमें लड़के की माँ, लड़के की बहन, सॉरी लड़के की माँ, लड़के का बाप, लड़के और छोटा भाई और चारों थे वो। पता नहीं और भी कितने, और मौके का कुछ पता नहीं है, मौके का कुछ पता नहीं है कि वो कितने थे कितने नहीं थे उनका कोई। जब हम वहाँ पहुँचे, जब हमारे बड़े वाले भाई साहब, तो वो डेड बॉडी को ठिकाना लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसको मतलब एक सुसाइड रूप दिखाना कर रहे थे। और इसमें बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को, कि इस चीज़ को हम ऊपर तक वो करें कि मतलब ये सुसाइड केस है, कि लड़का बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है कि लड़के को कुछ होना। और हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमें दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अगर इस चीज से अगर हमारा मुकदमा नहीं उठा, अगर दबाया गया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चक्का जाम, रोड जाम, हम डेड बॉडी तभी एक्सेप्ट करेंगे जब तक सजा नहीं मिल जाएगी। बस अरेस्ट नहीं, हम डेड बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डेड बॉडी यहीं पर रहेगी और ये हॉस्पिटल भी बंद रहेगा। मैं बता रहा हूं, वो अपने आप में मतलब राजनीतिक दल के हिसाब से या कैसे भी हिसाब से मतलब पार्टी वाले मतलब पार्टी बाज आदमी बन रहे हैं। और कोई भी अगर वो सही होते, अगर देश के रक्षक कोई वो नहीं मिल रहा ना, वो सही होते तो मौके पे उनको मिलना था। मौके पे एक भी बंदा उनका हमें वहाँ मिला नहीं। आज जो घटना हुई है वो सब आपको बताइए। आज उसकी उसके भाई नवीन ने, उसकी माँ है, उसका नाम ओमवती है, बाप का नाम राधेश्याम, और लड़का गौरव शर्मा, चारों ने मिलकर गला दबा के उसकी हत्या कर दी है। यही हुआ और हमें उसके बारे में जैसे डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे फिर मेरा पापा और मेरे भाई पापा पहुंचे, उन्होंने मौके पर जाकर डेड बॉडी को कब्जा किया। नहीं, आपको सूचना कैसे मिली थी? फोन किया, सूचना उसके बाप ने फोन किया कि पड़ोसी ने फोन किया था कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हम पहुंचे वहाँ मौके पर, तो हमें डेड बॉडी को मौके ठिकाने लगाते हुए मिले। तो आपको क्या लगता है किस तरह का वाक्य हुआ होगा? उन्होंने दहेज के लिए बोला होगा। भाई साहब, लड़की हमारी जो भतीजी थी, 1 साल से परेशान थी, दहेज के लिए बोला होगा। रेगुलर बेसिस से वो तंग कर रहे थे, मारपीट की होगी, मारपीट में उसकी जान निकल गई, उसके बाद उसे चुन्नी से लटका कर दे, सुसाइड का रूप बनाने का प्लान किया। यही है, सुसाइड का रूप बना देंगे और कुछ ना कुछ, फिर वही होता है, सबको पता है, सुसाइड कर ली, ये ड्रामा, ताकि वो ना तो खुद फंसे। नहीं, आपने एप्लीकेशन में क्या दिया है? हमने एप्लीकेशन में लिखा, उन्होंने गला दबा के हत्या कर दी चारों ने मिलकर। उसकी कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई हमें
तुरंत अरेस्ट चाहिए और जितनी ज्यादा सजा हो सके उतनी हो। और हमने तो आर्मी के लिए बोला था कि आर्मी में है बंदा, देश के लिए कुछ करेगा, लेकिन आर्मी वाले ऐसे रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो क्या फायदा उसका फिर? नहीं, लड़का छुट्टी आया हुआ था, लड़का सिकली पे आया हुआ था, वो एडमिट था उसमें एमएस दिल्ली कैंट में, तो यहाँ पे फिर आया हुआ बेस दिल्ली हॉस्पिटल में वो एडमिट था, अभी वो 3 वीक की छुट्टी लेके आया था। अच्छा, ये जो आपकी सिस्टर को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, कब से प्रताड़ित? ये शादी के 10-12 दिन के बाद से उन्होंने ऐसा ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया था। हम फिर भी हाथ जोड़ जोड़ के अपना मैंने कि ठीक है कोई नहीं, रिश्ते को निभा लो। उसके बाद वो तलाक की धमकी देते थे, वो धमकी देते थे डेली, मारते थे, फिर भी हम रिश्ते निभाने की कोशिश करते रहे करते रहे। उसका परिणाम हमें ये मिला, ये हिंदू रीति रिवाज यही होते हैं, रिश्ते निभाते रहो, फिर लास्ट में छोरी की डेड लड़की की डेड बॉडी मिलती है, क्या ही फायदा फिर? क्या मांग करते थे? हमें ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त सजा चाहिए, और ऐसा वाक्य अगर ऐसा नहीं कर सके उदाहरण बनना चाहिए, उम्र कैद जो भी है हर तरफ का, हमें जो ज्यादा से ज्यादा सजा पुलिस दिलवा सकती है तभी हमारा हो सकता है। नहीं, दहेज में क्या मांग करते थे वो? दहेज में कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, तरह तरह की डिमांड, कभी सोने की चीज नहीं बननी हमें, कभी बोलते थे हमें लड़की पढ़ी लिखी चाहिए थी, कभी बोलते थे लड़की की हाइट छोटी है, कभी उसकी सिस्टर बोलती थी कि हमारे शरीफ बाप को ठग लिया इन्होंने, हमें तो लड़की शादी नहीं करनी थी, हमें तो सरकारी नौकरी वाली चाहिए थी, ये सब बातें डेली। शादी को कितने साल हो गए? शादी 26 अप्रैल 2021 को, ये 1 साल भी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, 9 महीने भी नहीं हुए, बताओ। शाम का मैंने गांव औरंगाबाद से एक सूचना मिली थी कि एक लड़की ने प्लास्टिक लगाया, तो उसके बाद मौके पर पहुँचे, वहाँ से उसके पिताजी कंप्लेंट पे हमने अभियोग अंकित कर दिया, और जिन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल वालों जिस इसके लिए पीड़ित का करने पड़े। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? ये 379B 406 34। कितने लोगों के खिलाफ किया गया है? अभी इसमें 4 बाई नेम है और भी इन्वेस्टिगेशन के बाद। और विवाहिता की किस तरह से हत्या की गई है? अभी तो पोस्टमार्टम के बाद ही कल ही रुक पाएगा, लेकिन कहने के बाद फांसी के बारे में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। पुलिस को क्या सूचना मिली थी इस बारे में? पुलिस को ये थी भाई एक लड़की ने जो मौत हो गई है गाँव औरंगाबाद में फांसी लगा।